वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी। मैं सर पूर्णिमा। आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल MP की तरफ से 18 मई 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर स्टाफ नर्स की परमानेंट पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर रेगुलर पोस्ट रिलीज किए गए हैं स्टाफ नर्स के लिए। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो आपका पे स्केल क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है MP की तरफ से। यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल MP की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए रेगुलर पोस्ट और यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट भी रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 27 मई 2021 इसका स्टार्टिंग डेट था। यहाँ पर लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का 15 जून 2021 है, यानी कि 15 जून 2021 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी मिस्टेक होता है या फिर कोई भी आपका वहाँ पर कुछ त्रुटि होती है, तो उसके सुधार के लिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है 13 जून से 16 जून तक आप जो भी करेक्शन करना है कर सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा की संभावित तिथि दी हुई है 3 जुलाई 2021, 3 जुलाई 2021। यहाँ पर डेट जो है वो चेंज भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको जो वेबसाइट है उस पर रेगुलर विजिट करते रहना है। परीक्षा संबंधी आपत्ति दर्ज करने की तिथि भी दी हुई है 12 जुलाई से 14 जुलाई 2021 तक, आप कर सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा का समय और स्थान जो है कहाँ होगा और किस डेट पर होगा, ये आपको अलग से भी वेबसाइट के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए 1100 रुपये है, 1100 रुपये, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर जिसमें केवल गैर क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1000 रुपये है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 900 रुपये है। यहाँ पर जो भी फ़ी है आपको एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन सबमिट करना है, ऑनलाइन आपको अप्लाई भी करना है और सबमिट भी करना है फ़ी। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। यहाँ पर परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना भी अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में यहाँ पर कैंडिडेट मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक ले जा सकता है। यहाँ पर UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य किया जाएगा। तो यहाँ पर मूल फोटो पहचान पत्र अगर आप नहीं लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी ऑनलाइन पोर्टल से आप डाउनलोड किए हैं अपना एडमिट कार्ड, वो आपको साथ में ले जाना अनिवार्य है। यहाँ पर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको यूज करना है अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो। ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सीट कितने रिलीज किए गए हैं यहाँ पर, तो सीधी भर्ती के लिए स्टाफ नर्स के लिए टोटल 188 पोस्ट रिलीज किए गए हैं यहाँ पर, और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए यहाँ पर 20% यहाँ पर आरक्षित वर्ग के लिए भी रखा गया, जिसमें टोटल मिलाकर यहाँ पर 50 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। तो सीधी भर्ती की बात की जाए तो इसमें कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर ओपन में 30 पोस्ट, महिलाओं के लिए यहाँ पर 15 ओपन में, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में भी ओपन के लिए 4 और महिलाओं के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज किए गए, यानी कि टोटल मिलाकर अनारक्षित वर्ग के लिए 51 यानी कि 51 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो इसमें बिना वर्ग के कैटेगरी में देखा जाए तो ओपन के लिए 12 और महिलाओं के लिए 6, और भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो ओपन में 2 पोस्ट रिलीज किए गए, यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है अलग से। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 20 पोस्ट रिलीज किए गए हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें बिना वर्ग की बात की जाए तो ओपन के लिए 18 और महिलाओं के लिए 9 पोस्ट, भूतपूर्व सैनिक में ओपन के लिए 2 और महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 30 पोस्ट रिलीज किए गए हैं अनुसूचित जाति के लिए। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 23 बिना वर्ग के लिए है और यहाँ पर फीमेल के लिए 11 पोस्ट है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो 3 पोस्ट ओपन के लिए और महिलाओं के लिए 1 पोस्ट, यानी कि टोटल मिलाकर 38 पोस्ट रिलीज किए हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो यहाँ पर बिना वर्ग के लिए 28 ओपन में और महिलाओं के लिए 15 पोस्ट, और भूतपूर्व सैनिक में यहाँ पर ओपन 4 पोस्ट और महिलाओं के लिए 2 पोस्ट रिलीज की गई। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 49 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिलीज किए गए। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 188 पोस्ट रिलीज किए गए हैं यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए। दिव्यांगों के लिए यहाँ पर 11 रिक्तियों में से 11 शारीरिक विकलांगता निषज्जन के लिए यहाँ पर आरक्षित किया गया है 11 पोस्ट। यहाँ पर सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारियों की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 50 पोस्ट, जैसे हमने बताया कि 50 पोस्ट रिलीज किए गए हैं यहाँ पर, जिसमें संविदा कर्मचारियों के लिए यहाँ पर 20% आरक्षित है, 20% यहाँ पर रिजर्व करके रखे गए हैं। इसमें भी अनारक्षित वर्ग के लिए बिना वर्ग की बात की जाए तो यहाँ पर 9 ओपन और महिलाओं के लिए 4 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक में 1 ओपन और महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग से कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ टोटल मिलाकर 14 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 पोस्ट, यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ पर 50 पोस्ट रिलीज किए गए हैं जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिक्रूट किया जाना है स्टाफ नर्सेस के लिए। तो यहाँ पर यह जो भी पोस्ट रिलीज किया गया है वो उसकी संख्या जो है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ पर संविदा के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके पास न्यूनतम 5 वर्ष तक का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कार्य करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपका 12th जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, उसके बाद आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर जेएनएम नर्सिंग किया है किसी एनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एमपी नर्सिंग काउंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए, एमपी नर्सिंग काउंसिल से लाइव रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। जो वेतनमान रहेगा यानी कि पे स्केल जो रहेगा पर मंथ, वो लेवल 7 के अंतर्गत आपका रहेगा, जिसमें आपको न्यूनतम 28,700 पर मंथ आपका पे स्केल मिलने वाला है। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि जो भी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है, नंबर ऑफ सीट्स रिलीज किए गए हैं, वो उनकी नंबर जो है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ पर जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 3 वर्ष के लिए यहाँ पर परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, प्रोविजन पीरियड पर 3 वर्ष के लिए रखा जाएगा, जिसमें उनका उनको जो स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में उनको 70% दिया जाएगा, जितना भी उनका वेतनमान रहेगा उसका 70% फर्स्ट ईयर में दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में 80% दिया जाएगा और थर्ड ईयर में 90% दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में। उसके बाद परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक अगर वो पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद उनका वेतनमान शुरू किया जाएगा, जैसा भी उनका जिस भी जो भी उनका पे स्केल रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए शुरू शुरू में आपको परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, उसके बाद परीक्षा अवधि पूरा होने के बाद आपको रेगुलर पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाएगा। यहाँ पर आरक्षण भी मिलने वाला है आपको, आरक्षण के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है सब, इस तरह से आपको आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा परीक्षा अटेंड करने के लिए, और परीक्षा का केंद्र जो है वो आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आपको कन्वे कर दिया जाएगा। तो आपको रेगुलर विजिट करते रहना है, ऑनलाइन वेबसाइट आपको देखते रहना है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो मेंटली और फिजिकली रूप से फिट होने चाहिए, उन्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहेगा। यहाँ पर कुछ सामान्य शर्तें दी हुई हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। आवेदक की आयु की बात करें तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि 18 to 40 ईयर्स रखा गया है, 18 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, निःशक्तजन महिलाओं, अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 18 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका पहले स्क्रूटनिंग होगा, जो भी उनका क्वालिफिकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनका स्क्रूटनिंग किया जाएगा, उसके बाद स्क्रूटनिंग का रिजल्ट और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो आपको कन्वे किया जाएगा संस्था की वेबसाइट से, वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है ऑफिशियल वेबसाइट को, जिससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहे वो टाइम पर मिल सके। किस तरह से आवेदन करना है तो उसके लिए आपको एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसको डाउनलोड करना है परीक्षा लिंक से, उसके बाद वहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो भी आपको आपका डॉक्यूमेंट रहेगा उसको स्कैन करके अपलोड किया जाना भी अनिवार्य कंपलसरी है। तो आपको जो जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए रहेंगे वो आपको अच्छे से अपलोड करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है स्कैन करके, तो उसमें आपको जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा का मार्कशीट या सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपका रहेगा, इसके अलावा 12th का आपका यहाँ पर मार्कशीट रहेगा,
इसके अलावा जो भी आपका डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो रहेगा। इसके अलावा एमपी नर्सिंग काउंसिल से लाइव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फोटोयुक्त पहचान पत्र, नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर, आपका नया फोटो होना चाहिए सिग्नेचर के साथ। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी आपको सबमिट करना है। प्रत्येक दस्तावेज जो भी आप यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करते हैं, फोटो एवं सिग्नेचर सहित, 200 KB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साइज दिया हुआ है, 200 KB से ज़्यादा साइज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में या भरने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता है तो आपको एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर होम पेज पर संपर्क करें टैब के अंतर्गत आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो भी आपके पास शिकायत होगा। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।